नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का दर्श यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, टिल्टिंग ट्रेन इंडिया में इंट्रोड्यूस होने जा रही है। टिल्टिंग ट्रेन, तो आखिर ये टिल्टिंग ट्रेन है क्या? ये टिल्टिंग ट्रेन, आप लोग इस ट्रेन को सामने अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये ट्रेन जो है एक तरफ से टिल्ट हो चुकी है, यानी कि एक तरफ से झुक चुकी है। इस साइड से आप लोग देखेंगे ये ट्रेन उठी हुई है, तो वहीं दूसरी साइड से ये ट्रेन थोड़ी सी झुकी हुई है, तो यानी कि एक साइड को बैंड है ये ट्रेन। तो इन्हीं ट्रेनों का आखिर एक एरा स्टार्ट होने वाला है इंडिया में भी। तो आप लोग इन आर्टिकल्स में नज़र डाल लीजिए कि आर्टिकल्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है न्यूज़ के, कि ये टिल्टिंग ट्रेन है क्या और इंडिया को 100 टिल्टिंग ट्रेन मिलने वाली है। कुछ ये आर्टिकल देख लीजिए कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उनमें जो ये टिल्टिंग ट्रेन की ये टेक्नोलॉजी है वो 2025 तक इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी, यानी कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो भी उसमें जो ये टिल्टिंग ट्रेन की टेक्नोलॉजी है वो इन बिल्ट कर दी जाएगी। और आप लोगों को मैं बता दूं, जो टिल्टिंग ट्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कोई ट्रेन नहीं है एक्चुअली में, ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि एक नॉर्मल ट्रेन में अगर हम इंट्रोड्यूस करा दें तो वो एक टिल्टिंग ट्रेन बन जाएगी, यानी कि एक साइड को टिल्ट हो सकती है वो ट्रेन। तो इसी टेक्नोलॉजी पे हम नज़र डालेंगे कि आखिर ये टिल्टिंग ट्रेन क्या है और इसके पीछे आखिर क्या टेक्नोलॉजी लग रही है और आखिर ये काम कैसे करती है, और साथ ही साथ जानेंगे हम इसके पीछे की साइंस को कि आखिर इसमें कौन साइंस का कौन सा लॉ लग रहा है, वो हम थोड़ा शॉर्ट में कवर करेंगे क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है हमारे टॉपिक से। और क्या ये इंडिया को लाना एक वर्थ होगा, क्या इंडिया को ये लाना एक यूज़फुल स्टेप होगा, और क्या आप कंसर्न होंगे एज अ पैसेंजर, आपको यानी कि आपको क्या अनकम्फर्टेबल फील होगा एज अ पैसेंजर, आज इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंडिया एक्सपोर्ट स्टार्ट करने वाला है वंदे भारत एक्सप्रेस का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इंडिया इज़ गोइंग टू स्टार्ट एक्सपोर्ट ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस टू यूरोप कंट्रीज एंड अदर देन यूरोप, मतलब यूरोप में भी स्टार्ट करेगा और साथ ही साथ और दूसरे देशों में भी। तो उसको उनको लेके क्या स्टेप्स होने वाले हैं आज हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर देखते हैं आखिर टिल्टिंग ट्रेन है क्या। ये एक टिल्टिंग ट्रेन जो है वो एक नॉर्मल ट्रेन ही होगी, इसमें एक टेक्नोलॉजी होगी वो इनबिल्ट कर दिया है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है। और दूसरा कि जो इसमें हम लोग जो ये हमारे रेगुलर ट्रैक हैं इन्हीं पर ही ये ट्रेन चलेगी, इसके लिए हम कोई अलग से एडिशनल ट्रैक ना ही बनाएंगे ना ही हम उसमें कुछ अलग से डालेंगे। तो बस यही है कि जो ये रेगुलर ट्रैक हैं इन्हीं की जो एक साइड है उसको हल्का सा ऊपर कर दिया जाएगा और दूसरी साइड को हल्का सा नीचे कर दिया। जब कभी भी बैंड आता है ना, आप लोगों को पता होगा कि जब कभी भी बैंड मतलब रोड या किसी भी ट्रेन की पटरी में टर्न आता है, हमारे इंडिया में जो ट्रेन की पटरी बहुत ज़्यादा घूमी हुई है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसे ऐसे करके आप लोगों को देखने मिलेगी। तो ये जो टर्न आता है ना, यहाँ पे आते आते ट्रेन जो है वो थोड़ी स्लो पड़ जाती है, भले ही ओवरऑल एवरेज अगर ट्रेन का 80 किलोमीटर पर आवर है तो उसकी कहीं ना कहीं स्पीड जो होगी वो 120 भी होगी, कहीं ना कहीं स्पीड होगी 40। तो जो 40 वाली जो स्पीड है वो होगी यहाँ पे, यानी कि जब कभी भी ट्रेन बैंड होती है यहाँ पे, क्योंकि जो लोको पायलट होता है उसे जो ट्रेन है वो थोड़ी स्लो करनी पड़ती है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब कभी बैंड आता है तो आप अगर आपकी बाइक हो या कार हो तो उसको हमें स्लो करना पड़ेगा। तो इसी जो प्रॉब्लम को देखते हुए ये एक टिल्टिंग ट्रेन का कॉन्सेप्ट आया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक रेगुलर ट्रेन का ही यूज़ होगा, और दूसरा कि जब कभी भी ट्रेन बैंड होके आएगी तो उसका जो ये एक तरफ है वो थोड़ी ऊपर होगी एक तरफ नीचे होगी, तो ट्रेन जो है वो थोड़ी हल्की सी बैंड हो जाएगी जिससे कि उसे स्पीड कम करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल स्पीड पे भी वो एक परफेक्ट टर्न ले पाएगी। आप लोग बताओगे जब कभी भी आप किसी बस में या किसी कार में ट्रैवल करते हैं और मोड़ आता है, अगर बस या जो कार है वो लेफ्ट साइड में मुड़ती है तो आप जो हैं आप ऑटोमेटिकली राइट साइड की तरफ बैंड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बता देता हूँ, वहाँ पर लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो आप लोग झूले देखते हैं, झूले में एक तरफ अगर हम इस साइड बैंड होते हैं तो दूसरी साइड हम लोग बैंड अपने आप खुद चले जाते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट लगता है इस ट्रेन के साथ। इसकी जो इसका एक और दूसरा नाम है वो है पेंडोलिनो। पेंडोलिनो जो है वो ड्राइव किया गया है पेंडुलम से, जो कि एक इटालियन शब्द है पेंडोलिनो, क्योंकि सबसे पहले जो ये ट्रेन का कॉन्सेप्ट है वो इटली में ही आया था 40 साल पहले। यहाँ दोस्तों ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि पहले ही इटली में इंट्रोड्यूस हो चुकी है और इंडिया में ये अब आ रही है। इसी के साथ भारत जो है, भारत अगले 3 साल में वंदे भारत एक्सप्रेस में ये जो टेक्नोलॉजी है वो लगा देगा, और इस टेक्नोलॉजी के लिए हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे कंट्रीज से बात की, जैसे स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट से हम लोगों ने बात की, स्पेनिश मैन्युफैक्चरर से बात की इस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, और फाइनली ये जो है ये डील ओके हो गई है
और 2025 तक की जो टेक्नोलॉजी वो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस में आ जाएगी। अब साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से मेजर कंट्रीज़ हैं जिसमें ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो वो जो कंट्रीज़ हैं वो हैं ये 11 देश, जिसमें से इटली, पोर्तुगल, स्लोवानिया, फिनलैंड, रशिया और यूके, स्विट्ज़रलैंड, चाइना, जर्मनी, रोमानिया जैसे कुछ यूरोपियन और नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। एशिया में अगर आप बात करें तो चाइना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो टिल्टिंग ट्रेन का कॉन्सेप्ट है आखिर वर्क कैसे करता है, इसका आखिर कैसे वर्क होता है। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को पता होगा कि मैंने अभी बताया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हम लोगों को आउटवर्ड पुश करता है। अगर कोई बस या ट्रेन है वो इस साइड बेंड कर रही है तो ऑब्वियसली हम लोग इसी साइड जाएंगे। इसमें आप लोग न्यूटन का थर्ड फर्स्ट लॉ इनर्शिया को भी मान सकते हैं। और वहीं पे जो आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बैंक रोड का, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ बैंक रोड आखिर है क्या। तो ये जो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये है बैंक रोड, यानी कि आप लोग देखिए ये कुछ ऐसे करके ये रोड है जिसमें अगर कोई भी व्हीकल है अगर वो ज़्यादा स्पीड से भी चलेगा तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि वो देखिए कितना ज़्यादा बेंड हो चुका है ये जो व्हीकल है, और ना ही नीचे गिरेगा और ये आसानी से चल पाएगा। ये एक साइंस का लॉ है जो कि आप लोग ये देख सकते हैं कि बैंक रोड का ये आखिर जो रेसिंग ट्रैक्स होते हैं इनमें भी इनका बहुत मेजर यूज़ होता है, चाहे फिर वो बाइक रेस हो या फिर कार रेसिंग हो, सब में ये बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। तो आप लोगों ने देखा इसके पीछे का आखिर कैसे काम करता है और इसके पीछे की आखिर क्या साइंस है। हम बात करते हैं कि एज अ पैसेंजर हम लोगों को क्या डिसकम्फर्टेबली और क्या कंसर्न फेस करने पड़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू KTH इंजीनियरिंग साइंस हम लोगों को मोशन सिकनेस की बहुत बड़ा जो कंसर्न है वो देखने को मिलता है। अब कुछ लोग समझें कि आखिर भाई ये मोशन सिकनेस क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं जो मोशन सिकनेस है ये एक ऐसा सिम्टम होता है जो कि कुछ लोगों को होता है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। जब वो ट्रैवल करते हैं तो किसी को वॉमिटिंग आती है, किसी को हेडेक होता है, किसी को टायर्डनेस हो जाती है, तो वही जो है वही मोशन सिकनेस के कुछ सिम्टम्स हैं। अब जब जो ट्रेन है ये बैंड होगी तो ऑब्वियसली कुछ जो पैसेंजर हैं उन लोगों को ये एक सिकनेस देखने को मिलेगी। तो अब ये जो सिकनेस देखने को मिलेगी तो भाई ये तो फिर बहुत अनयूजफुल चीज़ है कि अगर हम लोग इस ट्रेन में बैठे हैं तो बीमार पड़ जाएंगे। तो इस चीज़ को कम करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस टिल्ट को कम करने की बात की है, यानी कि अगर हम इस टिल्ट को थोड़ा सा कम कर दें तो 80% तक जो मोशन सिकनेस है वो कम हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग किसी ट्रेन की पटरी को 2 सेंटीमीटर तक उठा रहे थे, अगर उससे 1 सेंटीमीटर तक ही उठाएं तो ये कम हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो इस तरह से जो मोशन सिकनेस के सिम्टम्स को हम टैकल कर सकते हैं। हम बात करते हैं एक्सपोर्ट को लेके कि आखिर वंदे भारत का क्या एक्सपोर्ट रहेगा यूरोप और साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ में। तो अभी जो बात चल रही है वो चल रही है कि जोधपुर से जयपुर तक के बीच में जो 70 किलोमीटर का पाथ है यहाँ पे एक ट्रैक बनाया जाएगा जिसमें हम एक स्पीड टेस्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, हम एक स्पीड टेस्ट करेंगे 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, मतलब 220 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उससे वंदे भारत एक्सप्रेस को दौड़ाया जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लोग किसी भी ट्रेन को एक्सपोर्ट करेंगे तो जो उसकी बेस्ट क्वालिटी है उसी के साथ हम उस ट्रेन को एक्सपोर्ट करेंगे। यानी कि कोई भी जो चीज़ है उसको हमें ऑब्वियसली बेस्ट के रूप में ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो बस इसी चीज़ को आजमाने के लिए हम 220 किलोमीटर का जो एक टेस्ट है वो करेंगे जोधपुर से जयपुर के बीच में एक रेलवे ट्रैक बिछाकर, और वहाँ पे इस ट्रेन को 220 किलोमीटर आवर की स्पीड से दौड़ाया जाएगा। और अगर वो टेस्ट ये जो क्लियर कर लेती है उसके बाद हम इस ट्रेन की एक्सपोर्ट स्टार्ट कर देंगे यूरोप और साथ ही साथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ में, जिससे कि हमारा जो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो होप करता हूँ आप लोगों को थोड़ा एक आइडिया मिल गया होगा एक टिल्टिंग ट्रेन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो बस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।